मतलब दिसंबर से बात हो रहा है, फिर बोलते कि नहीं तुम शादी भी हो गया, बोलते कि नहीं रखेंगे तुमको, जेल खट लेंगे लेकिन रखेंगे नहीं तुमको। क्यों नहीं रखेंगे? आपका तो प्रेम विवाह हुआ है। पता नहीं है, भूल जानते पता नहीं। बहुत कुछ बोले, लड़की बोलेगी कि हमको जान मरवाता, हम जान मर रहे हैं, जो बोलेगी वो जो मान लीजिएगा आप। हाँ तो सामने बोले, पीछे पूछी बोल रही है सामने, हम नहीं कर रहे हैं, हम तो सामने आपको बोल रहे हैं। 3 दिन हो गया शादी के। प्यार पे कैसे हुआ, शुरू से बताइए। अच्छा 3 दिन हुआ आपका शादी का। हाँ। कैसे शादी हुआ आप लोग का? शादी हुआ सबके थी, मतलब के गांव में, उनके गांव के 2-3 गो आदमी थे, वो सब करवाए थे मिलकर। अच्छा पहले से प्यार था आप दोनों में? हाँ। कैसे रिश्ता, कैसे रिलेशनशिप में कैसे आई आप? रिलेशनशिप में मतलब इंस्टाग्राम से कॉल किए थे मेरे पास, मतलब मेरे मौसी के यहाँ रहते थे, मौसी के यहाँ आके हैं, बोलते थे कि मतलब बात नहीं पूरा करते थे, पूरा बात उचित होने लगा था। फिर चलो कोई बात नहीं, 2-3 महीना मतलब दिसंबर से बात हो रहा है, फिर बोलते कि नहीं तुम शादी भी हो गया, बोलते कि नहीं रखेंगे तुमको, जेल खट लेंगे लेकिन रखेंगे नहीं तुमको। क्यों नहीं रखेंगे? आपका तो प्रेम विवाह हुआ है। पता नहीं है, भूल जानते पता। अच्छा शादी जब हुआ था उस समय दोनों पक्ष के माता पिता मौजूद थे? पेरेंट्स नहीं थे, उनके पापा मम्मी कोई नहीं थे, उनके पेरेंट्स कोई नहीं थे, कोई नहीं। तो आप बिना जाने शादी कैसे कर ली? कैसे लड़का फंसाया आपको ही बताइए। मतलब लड़का बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे, हमको पूरा दम ठीक है तरह झांसा लिया है, पूरा शादी के झांसा में लिया थे। क्या क्या बोलता था शादी के पहले? बोलता था कि तुम ही से शादी करेंगे, नहीं तो किसी से नहीं करेंगे। क्या क्या मरने का भी धमकी देता था? हाँ मरने की भी बहुत धमकी देते थे कि मर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा बताइए, जब आपको इतना कुछ किया आप अपने परिवार को क्यों नहीं बताई? शादी परिवार को भी बताया है। देखिए यहाँ पे लड़का भी है कि लड़का यहाँ मौजूद है, इनसे बात करें, क्यों नहीं रखना चाहते आप अपने? हम रखना चाहते हैं ना। तो रो रही हैं, बोल रही हैं कि नहीं रखना चाहते हैं आप? हम रखना चाहते हैं। तो फिर ये रो क्यों रही हैं? यहाँ तो वही रखना क्यों आई हैं? पूछिए इससे पूछिए, हम तो आई भी नहीं की पुकारी है तब। वहाँ ये तो बोल रही है महिला थाना आई है आपके खिलाफ केस दर्ज करने। पूछिए ना किस लिए आई है, नहीं रख रहे हैं। आप घर लेके क्यों नहीं जा रहे हैं? घर मेरे पापा मम्मी रही नहीं दे रहा। पापा नहीं बोले, मम्मी नहीं अभी बोले हैं। बोल रहा है क्या? बोले बोले कोई नहीं बोल रहा है कि आओ घर आओ। शादी की तो आपकी पत्नी है, उसको अच्छा से रखने का हकदार बनता है ना जी। अच्छा से तो रख ही रहा है। अच्छा शादी की है तो अपने मां-बाप को क्यों नहीं बताया आप? अरे सबके मर्जी से हुआ। आपके मम्मी पापा नहीं, इसके खानदान के तो मर्जी से हुआ। आप अपने परिवार को क्यों नहीं बताए? क्यों बता हम क्यों बता? आप शादी किए हैं ना जी इनसे, तो आप अपने परिवार को मत नहीं बताए? मेरे परिवार नहीं मर्जी है मेरे परिवार का। तो नहीं मर्जी है तो आप नहीं रखिएगा? रखे रख कर रहे हैं, हम रखेंगे इसको। अच्छा तो कितना दिन घर लेके जाए? दिन तक बाहर रखिएगा इनको? 6 महीना, उसके बाद परिवार मान जाएंगे? हाँ मान जाएंगे। नहीं अभी मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं? अभी मम्मी पापा फोन करके बुला रहे हैं घर पे। बुला रहे हैं? तो ये बोल रहे हैं कि नहीं मान रहे इनके परिवार? नहीं बुला रहे हैं, अभी बात किए हैं। बताइए ये बोल रही हैं कि बात की है परिवार? नहीं बात करके देख लिए, नहीं पुकारे गए, बात करके देख लीजिए। बात घर नहीं जाएंगे हम, 6 महीना कह दिए ना इसको नहीं रखेंगे। ये झूठ बोल रहे हैं क्या? हाँ झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं सामने ना जी। अरे मेरा ही मेरा पर्सनल मैटर ना है जी, ये मेरा पर्सनल मैटर है, हम इसको कहाँ रखेंगे नहीं रखेंगे। थाने में तो थे। केस मैंने झोड़ा, बस पर्सनल मैटर है, केस मैंने झोड़ा। देखिए लड़का जो भाग रहा है, डर लग रहा है। लड़का यहाँ से भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? कहाँ भाग रहे हैं? डर रहा है कहाँ? हम तो बोल रहे हैं, पूछिए क्या पूछना पूछिए, रो रही है क्या पूछना? पूछिए इससे, पूछिए इससे, पूछिए ये रो रही है? अगर इनको अरे इससे पूछिए ना, आप लोग गर्जियन भर रहे हैं, इससे पूछिए क्यों रो रहे हैं? पूछिए इससे क्या दिक्कत हो रहा है? लड़का क्या पूछिए? बताइए, ये बोल रही है कि आप ले जाने के लिए तैयार? हम ले जाए के लिए तैयार है? झूठ बोल रही है यहाँ पे? चलिए हम नहीं ले जा रहे हैं। ले जाने के लिए तैयार है लड़का? ले जाने के लिए तैयार है लड़का? आप क्या कहेंगे? चलेंगे केस बोल रहे हैं मैनेज करवाने, अब आप केस मैनेज करवाएंगे? बस अच्छा से रखेंगे तब ना केस। आपको भरोसा है कि ये लड़की अच्छी? पूछिए ना कि 4 दिन रखे हैं, 4 दिन, 4 दिन में कोई दिक्कत हुआ है इसको? पूछिए ये भी पूछिए। आप थाना में क्यों आए जब लड़का आपको रख रहा है? तो यही बोले केस मैनेज कर दो।
केस मैनेज कर दो। केस हुआ क्यों, आखिर आप दोनों में प्यार हुआ, शादी पहले बोलते थे कि नहीं करेंगे, तब हमको मजबूर किए महिला थाने में आने के लिए। शादी के पहले आपके साथ कुछ हुआ था? हाँ, शादी के पहले यहाँ है केस करने। तो उस समय भाई आप तो मामला नहीं बताया, उस समय क्या दिक्कत हुआ था इनको? कोई दिक्कत नहीं हुआ था। क्यों केस की थी आप? सब फालतू का चीज है, फालतू ही रहता है तो थाना में थोड़ा फालतू का चीज है। जिंदगी का सवाल, जिंदगी का सवाल आपका फालतू मजाक लग रहा है? कहाँ जिंदगी का सवाल, हम नहीं कर रहे हैं कि इसको नहीं रखेंगे। नहीं कर रहे हैं कि इसको नहीं रखेंगे हम। आप लोग गार्जियन बन रहे, रखिए इसको आप लोग। पूछते हम नहीं कह रहे हैं कि रखने के लिए बोल रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। पूछी थोड़ी बोल रहे हैं, पूछी नहीं बोल रही है। लड़की तो बहुत कुछ बोले, लड़की बोलेगी कि हमको जान मरवाते, हम जान मर रहे हैं। जो बोलेगी वो जो मान लीजिएगा आप। तो सामने बोले, पीछे पूछी बोल रही है? सामने हम नहीं कर रहे हैं, हमको तो सामने आपको बोल रहे हैं कि हम रखेंगे। हमको तो सामने बोल रहे हैं, तैयार है, चलिए जाइएगा। अभी बोलते 6 महीना इधर रहो उधर रहो, बाहर जाएंगे तो जहाँ रहेंगे, चलिए जहाँ रहेंगे वो अपना रखने के लिए तैयार है। बस आप लोग